this is what is called my fever. Abhi is fever, jo chadta hai to utarta nahi, bas chadta hi jata hai. Music iski wajah hai, aur music hi iska ilaaj. Lekin, main kyun gaa aap logo ke liye ek aur gaan? Why should I sing one more song? Main gaata hu kyunki music mera passion hai. Par main aap logo ke liye gaau. Mujhe iski koi wajah do. Give me a reason. मैंने आप लोगों को आज तक इतनी खुशी दी, बदले में आप लोगों ने मुझे क्या दिया? What have you done for me? हाँ? आप लोग टेंशन मत लीजिए, दादी इससे पहले कुछ भी बोले मैं इसको जाके रोकता हूँ। आप लोगों ने आज तक मेरे लिए जो नहीं किया ना, वो आप करना पड़ेगा। म्यूजिक मेरे दिल में बसता है, ये मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों के दिल में बसता हूँ, ये आज आप लोगों को प्रूफ करना होगा। क्या हुआ? कंफ्यूज्ड कि मैं आप लोगों से क्या करवाने वाला हूँ? डोंट वरी, मैं आप लोगों से कुछ नहीं करवाने वाला। बस मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिसके लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। क्या हुआ तनु, या उसका बॉयफ्रेंड कोई पहुंचे वैनिटी वैन में? कुछ भी कोई क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? मैं अभी हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जो भी डिसीजन लोगे हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे अभी। क्योंकि हो सकता है कि मेरा वो डिसीजन कुछ लोगों को पसंद आए और कुछ लोगों को ना पसंद, पर मैंने हमेशा कोशिश की है कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करूं। मैंने हमेशा कोशिश की है अपने हर टेस्ट को पास करने की, पर आज आप लोगों का टेस्ट है। आज आप लोगों का डिसीजन ये डिसाइड करेगा कि मेरी लाइफ में आगे क्या होगा। अब मैं आप लोगों के सामने एक गाना गाऊं। Guys, बिल्कुल सही सुना आप। It's time कि अभी आप अपना सबसे फेवरेट गाना गाए जिसका सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार था। क्या कर रहे हैं? मैं तनु और अपनी शादी अनाउंस करने जा रहा था, है ना? पता है यार मुझे, पर तनु का है, उसके बिना ये सब करने जा रहा है। देख, अगर तनु यहाँ पे तेरे साथ होती, उसका हाथ तेरे हाथ में होता और तब तू जाके ये सब बोलता ना, तो उसका इम्पैक्ट अच्छा होता। पर तू उस लड़की से अपनी शादी अनाउंस करने जा रहा है जो यहाँ पे है ही नहीं। लोग हंसेंगे भाई तुझ पे, तेरा साथ नहीं देंगे। हाँ यार, ये तो मैं सोचा ही नहीं, तूने फिर से मुझे बचा लिया। लेकिन अब मैं क्या करूँ? तू वही कर रहा है जिसमें तू अच्छा है। तू इन सबके सामने गाना गा और इनको एंटरटेन कर। एक काम करता हूँ, मैं तनु को ढूंढ के लाता हूँ। और बाय द वे, उसको पता था ना तू अनाउंस करने वाला है, तो वो कहाँ है यार? बोला तो था, पर रुक, उसको आने दे, मैं उसकी खबर लेता हूँ। सॉरी टू से अभी, पर ये अच्छा नहीं है। वो ऐसा क्यों कर रहे? उसको सब कुछ पता था तो यहाँ पे आई क्यों नहीं? गलत है ना ये? इसे मैं बाद में देखूंगा, पहले तो उसे लेकर आया था। हाँ मैं उसको लाता हूँ, तब तक तू गाना गा। Well guys, इससे पहले कि मैं आप लोगों को अपनी दिल की बात बताऊं, मैं आप लोगों को एक और गाना सुनाना चाहता हूँ, ताकि इसी तरह आप लोगों को सुनकर मुझे पता चले कि आप लोग कितना मेरे साथ। So, are you guys ready? Yeah! Hit it! मांगी दुआ एक तुझ तक जा पहुंची,
परवरदिगारा कैसी सुनी तूने मेरी खामोशी ओ परवरदिगारा ये फितूर मेरा लाया मुझको है तेरे करीब ये फितूर मेरा रहमत तेरी ये फितूर मेरा मैंने बदला रे मेरा ये फितूर मेरा चाहत तेरी ओ बेटा दिल छोटा क्यों करती है हौसला रख सब ठीक हो जाएगा ना क्या ठीक हो जाएगा दादी सब कुछ तो और उलझता जा रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या तनु पे नजर रखूं या इन्हें संभालूं क्या करूं दादी अगर इन्होंने वाकई ये अनाउंसमेंट कर दी ना तो मुझे नहीं पता क्या होगा अगर अगर जैसा ये कह रहे हैं कि इनके फैंस ने इनका साथ दे दिया और मेरे खिलाफ हो गए मेरे खिलाफ धरना कर दिया तो मैं क्या करूंगी उन फैंस को तो यही लगेगा ना कि सिर्फ मेरी वजह से इनकी और तनु की शादी नहीं हो रही वो मुझसे नफरत करेंगे और चाहेंगे कि किसी भी तरह इन दोनों की शादी हो जाए फिर मैं क्या करूंगी दादी अगर इन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दिया ना तो मैटर हाथ से बाहर निकल जाएगा मुझे कुछ आप कहिए अगर आप मेरी जगह पर होती तो क्या करती तनु पर नजर रखती या इन्हें संभालती समझ में नहीं आ रही आप टेंशन मत लीजिए मैंने अभी से बात करी और उसको बातों में उलझा लिया है वो अभी ये अनाउंसमेंट नहीं करेगा इनफैक्ट हमें रास्ता भी मिल गया जिससे वो अनाउंसमेंट कुछ टाइम तक करेगा ही नहीं थी कैसा रास्ता जी मैंने उससे जाके कहा है कि अगर वो अनाउंसमेंट करेगा तो उसके साथ तनु का भी होना जरूरी क्योंकि बिना तनु के अगर वो ये अनाउंसमेंट करेगा तो उसके फैंस तो उसको सीरियसली लेंगे नहीं उल्टा उल्टा हंसेंगे उस पर तो जब तक तनु होएगी नहीं वो अनाउंसमेंट कैसे करेगा अब हमें सिर्फ एक ही काम करना है किसी भी तरह उस तनु को उस स्टेज पर पहुंचने से रोकना तनु होगी नहीं तो अनाउंसमेंट नहीं होगी और अगर अनाउंसमेंट नहीं होगी तो आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तनु
पार्ट को भी अभी आना था। आप कौन कौन है अली, वैनिटी में क्यों जा रही? वो अपने बॉयफ्रेंड के ही साथ होगी ना, वो उस ब्लैकमेलर से मिलने जा रही है। पर हमने तो ब्लैकमेलर को कोई टाइम ही नहीं दिया, ये कर क्या रहे हैं? पता नहीं, शायद चेक करने गए होंगे कि ये जगह सेफ है या। क्या करूं, कैसे जाऊं म्यूजिक कंट्रोल रूम में? यही टाइम है आलिया, कोई नहीं है, तुझे अभी जाना होगा। आओ! दिखाई नहीं देता? हाँ, अंधी हो? अरे मैं उधर नहीं, इधर हूं, इधर। हो जिसके तो कान भी ठीक नहीं है आंख के साथ साथ। क्या कर रही है तू? हाँ, अरे यहाँ जितने लोग आए हैं सब अभी के फैन हैं, अब क्या सब पे चिल्लाएगी तू? चल मेरे लिए जूस लेके आ, मेरा गला सूखता है। हाँ, जब बकवास करती तब दिन का गला सूखता नहीं है। क्या कहा तूने? मैंने कहा कि मैं गई और आपके लिए जूस लेकर आई। तूने कुछ और कहा था। मैंने यही कहा। तूने यही कहा था कि दिन का गला तो हरदम सूखता रहता है, तूने कुछ कहा था मेरे बारे में बता। अरे नहीं मम्मी जी, आप वो हम लोग का ऐसे, आप अपना काम कीजिए ना प्लीज। आपकी आवाज सुनकर आ गई। मेरी आवाज नहीं, तेरी आवाज सुन के आए थे। अरे और क्या, मैं बहू हूँ आपकी। तो मैं साथ रही हो तुम लोग? देखिए क्या कर, देखा करो, हर जगह शुरू हो जाती, लड़ती रहती। अरे पर मैंने इन्होंने शुरू किया था। आप इनको बोलिए कुछ। तुम चुप करो ना, जगह देखो ना, सब अभी की फैमिली को पहचानते हैं यहाँ पर। चलो यहाँ से। इसको तो कुछ बोलते नहीं। चलो इसको भी बोलता हूँ, तुम भी चलो। आ रही हूँ। हाँ आ जाओ मिताली, आ जाओ। जी रोशनी इतनी कम है, शक्ल भी नहीं दिखाई दे रही, कौन है? आई पापा जी। जॉर्ज सुनो, साउंड की प्रॉब्लम आ रही है उधर, क्लियर नहीं है, और उस तरफ बेस बहुत हाई है, चेक करो कंट्रोल पे। देखो तो इसको, ऐसे नहीं जा पाऊंगी, कुछ और ही तरीका ढूंढना होगा, पर क्या? ओके, दोबारा नहीं चाहिए प्रॉब्लम, टेक केयर, बाय। ये आदमी जो भी है अपना बुर्का क्यों नहीं उठा रहा? शक्ल तो दिख ही नहीं रही। ये दोनों क्या कर रहे हैं कुछ समझ ही नहीं आ। प्लीज नकाब हटाओ, बस एक बार चेहरा दिखाओ कि तुम निखिल हो। ये वैनिटी में एक ही कैमरा लगा है। अगर यहाँ पर हम कैमरा लगाएंगे सीधा वहां से अगर कोई भी आए तो उसका चेहरा नजर आ जाएगा। तुम्हें कुछ दिखाई भी दे रहा है? हटाओ कैसे, तभी तो कुछ दिखाई देगा ना, हटाओ। तुम ये भी तो कह सकती थी कि मेरा चेहरा देखने के लिए बेताब हो रही हो तुम, यूं घुमा फिरा के कहने की क्या जरूरत थी? Okay.
तुम्हारा चेहरा नहीं, मैं वो दिन देखने के लिए बेताब हूँ जब तुम मेरी लाइफ से परमानेंटली चले जाओगे। ये तो कैमरा लगा रहे नहीं, वो तो हमें भी देखना है। तुम तो एक बात बता, तूने वो दूसरी साइड पे कैमरा क्यों नहीं लगाया? अगर तुम दूसरा कैमरा लगाते तो हम उसका चेहरा देख पाते ना। सॉरी भाई। क्या करें, ये पूरब अभी तक तनु को लेकर आया क्यों नहीं? बस बहुत हो गया, अब और नहीं करना परफॉर्म। मैं अब वही करूंगा जो करने आया हूं। मैं प्रज्ञा को टॉर्चर कर रहा था, अब मुझे उसकी यादें टॉर्चर कर रही है। हर तरफ मुझे वही। इट्स हाई टाइम नाउ, मुझे इस सबसे बाहर निकलना होगा, और ये तभी होगा जब मैं स्टेज पर जाके अनाउंसमेंट करूंगा। कहा हो तुम? तुम्हारी वजह से मैंने इतना अच्छा मौका खो दिया, तुम हो कहाँ? अभी मैं यहीं पर कॉन्सर्ट एरिया में, वो एक प्रोड्यूसर मिल गया, वो इतनी बातें कर रहा है, मुझे कहीं जाने ही नहीं दे रहा। वो आने नहीं दे रहा का क्या मतलब है? तुम्हें पता है यहाँ पर मैं तुम्हारा इंतजार करूँ, और तुम की ये तनु किससे बात कर रही है और इतनी परेशान क्यों है? दादी शायद इनका फोन है, क्योंकि वो देखिए इनकी परफॉर्मेंस तो खत्म हो गई, मतलब ये तनु को फोन कर रहे, शायद स्टेज पे बुला रहे। हमें जल्द कुछ करना होगा वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हमारे पास टाइम बहुत कम है, आप लोग एक काम करिए, आप और दादी ये अभी वाले मॉनिटर पे नजर रखिए, मैं और रोनी जाके तनु को किसी भी तरह स्टेज पे आने से रोक। हाँ जल्दी जाओ बेटा। चलो तुझे पता है ना इस बार तुझे क्या करना है। हाँ भाई, इस बार शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। अब अगर 5 मिनट में तुम यहाँ पर नहीं आएंगे ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, समझे तुम? नो 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 प्लीज प्लीज, मैं ओके, मैं 5 मिनट से पहले वापस पहुंच जाऊंगी, प्लीज तुम अपसेट मत हो, प्लीज ओके। अभी का फोन आया था, वो मुझसे बहुत गुस्सा, बहुत नाराज है, मुझे उसके पास जाना होगा, उसे मनाना होगा। तुम एक काम करो, तुम कैमरा लगा और फिर मुझसे मिलो, ओके? हाँ बस 2 मिनट लगेंगे कैमरा लगाने के लिए, तुम जाओ। पर प्रज्ञा को विदाउट फेल कहना कि ब्लैकमेलर को यहाँ लाए। एग्जैक्टली अभी ओके ओके ओके, बस ये जल्दी से कैमरा लगा ले, इसका ये काम खत्म होगा, तब तक मैं अभी के पास जाके उसके अनाउंसमेंट वाला काम खत्म करती हूँ। एक बार वो हो जाए तो ब्लैकमेलर से आसानी से निपट लूंगी। लेकिन अगर अनाउंसमेंट सुन के प्रज्ञा अपसेट हो गई तो, और उसने गुस्से में मेरी हेल्प करने से मना कर दिया तो मेरी ब्लैकमेलर से डील नहीं होगी, और वो कहीं यहाँ अभी को सारे सबूत ना दिखा दे। मुझे पहले प्रज्ञा से बात करनी होगी कि वो जल्दी से ब्लैकमेलर को बुलाए, उसके बाद अभी से मिलती हूँ। पूरा भाई हम फालतू की प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब जिसे हम ढूंढना चाहते हैं वो वैनिटी के अंदर है, और मैं तो कहता हूँ कि हम 2 लोग हैं। एक काम करते हैं, वैनिटी का दरवाजा तोड़ के अंदर चलते हैं और उसकी ठीक से पिटाई लगाते हैं, और उस बीच हम उसका चेहरा भी देख लेंगे, और कोई आया तो बोल देंगे कि एक चोर घुसा है बुरखा पहन के, बात खत्म। तो फिर सोचना कैसा, शुरू हो जाइए। अच्छा मजा चखा। हाँ बहुत हो गया छुपन छुपाई का खेल, बहुत परेशान कर लिया इसने। उस इंसान से ना मैं गिन गिन के बदला लूंगा, बस मुझे रोक के रखना, कहीं उसकी जान ना ले लूं। चल खुल क्यों नहीं रहा? तनु ही होगी, हमेशा कंफ्यूज रहती है, अब पता नहीं क्या पूछने आई है, पर मैं दरवाजा काम होने के बाद ही खोलूंगा, बस काम तो हो ही गया है। नहीं मुझे लगता उसने डोर अंदर से लॉक कर लिया। वैनिटी के अंदर एक इमरजेंसी डोर होता है ना, तो वहां से अंदर चलते हैं। नहीं रोनी यही डोर है और कोई डोर नहीं है। तो ये तो बंदे अंदर कैसे जाएंगे हम लोग? हमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है, वो लोग बाहर।
एक काम कर, दरवाजा तो ऐसे नहीं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, क्या हो सर? देखिए वैनिटी में शायद कोई चोर और घुसा है, आप एक काम करिए, किसी भी तरह दरवाजा खुलवाइए प्लीज। सर यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गया है। ये काम तो हो गया, अब देखता हूं तनु को क्या काम है। है भी या चली गई? बाहर आओ, जो कोई भी हो बाहर आओ। देखो तुम भाग के जा नहीं सकते, जल्दी बाहर आओ। देखो चुपचाप बाहर आ जाओ वरना हम लोग अंदर आ जाएंगे। दरवाजा खोलो, अंदर है कोई? मैं कहता हूं दरवाजा खोलो वरना हम तोड़ के अंदर आ जाएंगे। गॉड, फंस गया बुरी तरह, अब कहां जाऊं?